सो आई एम ट्राइंग टू मेक डोसा बट नहीं बन रहा है। Hey guys, good morning. What's up? Welcome back to the channel. Hope you guys are absolutely fine. तो सुबह के मुझे 11 मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अभी बच्चों को देना है। अभी ये मैं दिखाती हूँ, एक्चुअली बन ही नहीं रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ डोसा बनाने का, बट कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, बन ही नहीं रहा है ढंग का। लो भाई, इसका नाम है टूटा फूटा डोसा। वैसे सही लग रहा है ना खाने में? आप आओगे हमें देखोगे तो फिर हम कम डाउन वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइडिया अच्छा है, मैं अपना काम कर लूँ। ओके जाओ। तानसोली मैम को बोलो, तानसोली मैडम अभी आएगी, जल्दी बुलाओ। रिद्धांश, मैंने सारा खाना खा लिया, अभी याद आया कि वीडियो में दिखाया नहीं मैंने आज क्या क्या खाया। रोटी, तुम सारा टाइम तो टीवी चला के रखते हो, तो मैं कैसे व्लॉग बनाऊंगी? मूली, लस्सी बहुत थोड़ी सी मिली थी, मैं कुछ पी भी नहीं है क्योंकि एक ही पैकेट था, तीन जगह डिवाइड होगी। इसको देखो भाई साहब, रोटी खाते टाइम ना ये बंदा थक जाता है, और पूरा दिन वैसे इससे कुदवा लो। कल रात को भी बोल रहा है मुझसे खाई नहीं जा रही, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है रोटी खाते खाते। गाइस, मैं दो रोटी खा चुका हूँ, ये मेरी दूसरी। खा ले उसको, देख सब्जी भी पूरी पड़ी है, इसको खिला दियो रिद्धांश पूरा। ठीक है, ये हमारे पेटी के अनार थे, पेटी खुली है, ये अनार पे जो कीड़े चल रहे हैं, जय शुक्र है हमने ध्यान दे दिया। अब हमने खाना खाया ही था तो हमारे कीड़े देख के जी खराब हो गया, ऐसे हम फेंक देते हैं। क्यों नहीं खाई पूरी दाल? वैसे तो भूखा अब मैं सीधा हो जाए, तेरा पंप दिख रहा है। मधुमक्खी आ चुकी है। गट्टू को बड़ा तो डर पकड़ भाग के यहाँ आ गया। क्लास कराने के बाद मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी के मंदिर, जो कि अलीपुर में है। अभी रिसेंटली बना है, रिसेंटली नहीं कहूंगी, कुछ टाइम तो हो गया है, और मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे राखी का। कह रही है 10 मिनट में आऊंगी, मैं पता नहीं कितनी देर में आएगी। कार हमने यहाँ पार्क की है, और ये देखो मंदिर की एंट्री, और वहां से हमें अंदर जाना है क्योंकि पार्किंग है ही नहीं। आई डोंट नो भीड़ कितनी है भाई, लाइने तो लगी हुई है। राखी लेट लतीफ है, ज्यादा नहीं, इसने मुझे 40 मिनट वेट कराया है। 40 मैं 6:15 पे आ गई थी, 6:22 पे आई है, 6:22 पे तो इतनी दूर खड़ी हो गई, मैंने जहाँ बोला वहाँ पे मिली नहीं, और मैं 6:14 पे अपनी लोकेशन पर पहुँच गई थी। 6:22 बात है, ये हमेशा ना कंफ्यूज रहती है, इसे यही नहीं पता चलता कि मुझे बताना कहाँ पे है। बाय बाय बाय, बातें ज्यादा लंबी हो जाएगी, पहले हम दर्शन करने जाते हैं। 1 किलोमीटर फालतू चलाया है इसने मुझे। सही है ना, पतली नहीं हुई देख ले तब भी, वैसे भी नहीं होने वाली। पता होगा ये है।
बस मैं राखी को बोल रही थी कि ना सबको छीटा मिल गया और हमें नहीं मिला। थोड़ी देर में पंडित जी आए, ग्लास भर के हमारे ऊपर फेंक के चले गए। मतलब मैं कांट बिलीव कि सोचा ही था और वो चीज मिल गई। राखी चाह रही थी ऐसा बनाना, बट रात हो चुकी है ना तो अब उधर जा नहीं सकता। देखो सबने विश मांगी हुई है ऐसे करके। तो इधर गौशाला है, इधर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है कृष्ण जी ने, और इधर सारे चाट पापड़ी वाले काउंटर है। ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी के कान में अगर कुछ बोला जाए, कोई विश मांगी जाए, तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने तो विश मांग ली। अगर आपकी भी कोई विश है तो जल्दी से आप बोल दो, मैं नंदी जी के कान में बोल दूंगी। जस्ट मैंने अभी राखी को ड्रॉप किया और बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक है। और दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है गाइस। इट इज 8:30 और जनरली मैं 7:30 to 8:30 के बीच में डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं शाम को कुछ भी नहीं खाती और आज मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो इसके चलते बहुत तेज भूख लगी है। अभी फिलहाल मुझे ना घर पहुंचने से पहले मार्केट जाना है, क्योंकि कल के शूट का कुछ अरेंजमेंट करना है और रिधांश के शूट के लिए मुझे पिचकारी खरीदनी है। तो भगवान कब कहूंगी मैं खाना।